हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल रेवतराज मैथमेटिक्स में। दोस्तों, यदि चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। शिक्षा और रोजगार से संबंधित हर एक खबर आपको इस पे सबसे पहले मिलेगी। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं BSTC के बारे में और आज मैं लेकर आया हूँ BSTC के उस टॉपिक के क्वेश्चन जो कि सबसे शानदार टॉपिक होता है। आज हम पढ़ेंगे शिक्षण अभिसमता। अपना टॉपिक आज का रहेगा शिक्षण अभिसमता या शिक्षण अभिरुचि, टीचिंग एप्टीट्यूड। इसके क्वेश्चन आते हैं 50 और ये 50 क्वेश्चन ही आपकी मेरिट निर्धारित करते हैं। आपकी जो मानसिकता है वो किस प्रकार की है, आप BSTC कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, पूरी की पूरी जो निर्भरता है इसी टॉपिक के ऊपर रहती है। यदि इसमें आप अच्छे अंक प्राप्त करते हैं तो निश्चित रूप से आप 420 प्लस अंक प्राप्त कर लेते हैं। दोस्तों, इसमें जो प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं उसमें चार ऑप्शन रहते हैं। चारों ऑप्शनों में आपको नंबर मिलते हैं। जैसे एक ऐसा उत्तर होता है जिसमें जीरो नंबर मिलता है, एक उत्तर में एक नंबर मिलता है, एक उत्तर में दो नंबर और एक में तीन, यानी जीरो से लेकर तीन तक इनमें नंबर मिलते हैं। इसके सारे ऑप्शन में आपको सोच समझ के आंसर देने होते हैं, तो कुछ क्वेश्चन मैं आज आपके लिए लेकर के आया हूँ। चलिए दोस्तों, बिना टाइम खराब किए शुरू करते हैं इसको। पहला हमारा प्रश्न है आज का, आपका एक विद्यार्थी गंदे कपड़े पहनकर आता है, आप क्या करेंगे। इसी प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। चार ऑप्शन देखें दोस्तों। पहला ऑप्शन है उस छात्र को साबुन खरीदने के पैसे देंगे आप। दूसरा है उससे सबके सामने आप लज्जित करेंगे। तीसरा है उसे कक्षा में सबसे अलग बाहर की तरफ बिठाएंगे। और चौथा है उस छात्र को बुलाकर गंदे वस्त्र धारण करने से होने वाली हानियों से अवगत कराएंगे। दोस्तों, इसमें से एक ऑप्शन ऐसा है जिसमें जीरो नंबर है, एक में एक नंबर, एक में दो और एक में तीन नंबर। तो मैं आपको तीन नंबर कैसे मिल सकते हैं उन्हीं आंसरों को लेके जो सबसे परफेक्ट आंसर है उसकी चर्चा करूंगा। इसका जो सही आंसर है वो ये होगा, उस छात्र को बुलाकर गंदे वस्त्र धारण करने से होने वाली हानियों को अवगत कराएंगे। तो इसमें आपको तीन अंक मिल जाएंगे। कितने अंक मिल जाएंगे? तीन पूरे। यदि आप ऐसा आंसर देते हैं उसे सबके सामने लज्जित करेंगे तो आपका जीरो मार्क रहने वाला है। आगे बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, छात्रों की स्वाध्याय में रुचि जागृत करने के लिए आप क्या करेंगे। छात्रों को स्वाध्याय के महत्व पर भाषण देंगे, स्वाध्याय हेतु विभिन्न विषयों की रोचक पुस्तकें पुस्तकालय में रखेंगे, स्वाध्याय न करने के कारण पता करेंगे और अभिभावकों को ये जिम्मेदारी सौंप देंगे। तो इसका सही आंसर है बे, स्वाध्याय हेतु विभिन्न विषयों की रोचक पुस्तकें पुस्तकालय में रखेंगे। तीसरा क्वेश्चन है आपका, विद्यालय में पुस्तकालय की स्थापना का उद्देश्य क्या होता है। छात्रों में शोध की आदत डालना, छात्रों में स्वाध्याय की आदत विकसित करना, विभिन्न विषयों का अध्ययन करना और पुस्तकों का एकत्रित करना। दोस्तों, इसमें आपको पॉजिटिव आंसर देना है सभी प्रकार के प्रश्नों में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, छात्रों में स्वाध्याय की आदत विकसित करना। आगे बढ़े। चौथा क्वेश्चन है, एक अध्यापक को दृश्य श्रव्य सामग्री का प्रयोग करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? उससे पाठ में छात्रों की रुचि रहती है, बालकों का ध्यान पढ़ाई में केंद्रित करने में सहायक होती है, ज्ञान को वास्तविक रूप से प्रदान करने में पाठ में विविधता लाने में सहायक होती है, छात्र सामग्री से ही खुश रहते हैं। तो इसका सही आंसर है से, ज्ञान को वास्तविक रूप प्रदान करने वे पाठ में विविधता लाने में सहायक होती है श्रव्य दृश्य सामग्री। आगे बढ़ते हैं। पांचवा क्वेश्चन है, अध्यापक को छात्र की मदद करनी चाहिए, कैसे करनी चाहिए। पैसे देकर के, व्यक्तिगत तथा सामाजिक समस्याओं को दूर करने में, अन्य शिक्षकों को विरुद्ध भड़काने में या व्यक्तिगत समस्याओं को दूर करने में। तो इसका जो सही आंसर है, सही ऑप्शन है तीन नंबर वाला, जो तीन अंक आपको दे सके वो ऑप्शन हो जाएगा क्या, बे, व्यक्तिगत तथा सामाजिक समस्याओं को दूर करने में। आगे बढ़ते हैं। यदि कोई छात्र आपको अपने घर पर आमंत्रित करता है तो आप क्या करेंगे। अवश्य जाएंगे क्योंकि ट्यूशन मिलने की संभावना होती है। दूसरा ऑप्शन है माता पिता के बुलाने पर ही जाएंगे। तीसरा है किसी विशेष अवसर होने पर जाएंगे। और चौथा है उसे स्पष्ट रूप से मना कर देंगे। तो इसका जो सही आंसर है वो ये माना गया है, किसी विशेष अवसर होने पर ही आप उसके घर पे जाएंगे, अन्यथा आप नहीं जाएंगे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन क्रमांक 7, विद्यालय में खेलों के आयोजन का उद्देश्य होता है, बालक के सर्वांगीण विकास हेतु, शरीर को पढ़ने योग्य बनाने के लिए, खेल प्रतियोगिता में तैयारी हेतु
और विद्यालय में व्यर्थ समय में अनुशासन है। तो इसका सही ऑप्शन है ए, बालक के सर्वांगीण विकास हेतु खेलों के आयोजन का उद्देश्य होता है। अगला है आठवां क्वेश्चन, सफल शिक्षक वह कहलाता है जो छात्रों की इच्छा अनुसार कक्षा में पढ़ाता है, कमजोरियों को नज़रअंदाज करता है, अंतर्निहित संभावनाओं का विकास करता है या कक्षा में मित्रवत व्यवहार करता है। तो इसका जो सही ऑप्शन है, एग्जैक्ट ऑप्शन तो है इसका से, अंतर्निहित संभावनाओं का विकास कर सकता है। आपके प्रश्नों का उत्तर एक छात्र अंशतः शुद्ध देता है तो आप उसे वैसा ही छोड़ देंगे, शुद्ध उत्तर स्वयं बता देंगे, छात्रों से शुद्ध उत्तर प्राप्त करने का प्रयास करेंगे या शुद्ध उत्तर नहीं बताएंगे। तो इसका सही आंसर है से, छात्रों से शुद्ध उत्तर प्राप्त करने का प्रयास करेंगे। दसवां क्वेश्चन है, छात्रों की चोरी की प्रवृत्ति को रोकने के लिए आप क्या करेंगे। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसी प्रकार के क्वेश्चन BSTC में आते हैं। कक्षा में उनको बेइज्जत करेंगे, प्रधान अध्यापक को बता देंगे, चोरी के कारणों का पता लगाकर उसका निदान करेंगे या पुलिस की सहायता लेंगे। तो इसका ऑप्शन से एकदम सही है, चोरी के कारणों का पता लगाकर उसका निदान करेंगे। अगला क्वेश्चन है 11 नंबर, प्रारंभिक शिक्षा व्यवस्था में बच्चे विद्यालयों से विरत हो जाते हैं क्योंकि। इसका सही ऑप्शन है दोस्तों बे, उनकी आर्थिक परिस्थिति एवं अन्य दशाएं अनुकूल नहीं होती है, इसलिए प्रारंभिक शिक्षा से ही वो विद्यालयों से विरत हो जाते हैं। आगे बढ़े, 12वां क्वेश्चन है, अध्यापक को स्वाध्याय में लिप्त देखकर छात्र के मन में स्वाध्याय की भावना जागृत होती है। स्वाध्याय की भावना कुछ कुछ जागृत होती है, कोई भावना जागृत नहीं होती है या पढ़ने से विरक्ति उत्पन्न होती है। यदि अध्यापक स्वाध्याय करता है तो स्वाध्याय की भावना छात्र के मन में भी जागृत होती है। इसका ऑप्शन ए सही है। आगे बढ़े, 13वां क्वेश्चन है खेलों छात्रों में खेल के प्रति रुचि पैदा करने हैं तो आप क्या करेंगे, स्वयं उसके साथ खेलेंगे। इसका ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है, स्वयं आप उसके साथ खेलेंगे तभी उसके मन में खेलों के प्रति जो जागृति है वो पैदा होने वाली है। आगे बढ़े दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 14 है, यदि आपके विद्यालय में भिन्न भिन्न जाति वाले शिक्षक हैं तो आपका उनके प्रति व्यवहार कैसा रहने वाला है। कोई भेदभाव नहीं रखेंगे, उनसे विशेष संबंध नहीं रखेंगे, केवल अपने विषय वाले शिक्षकों से संपर्क रखेंगे, अपने कार्य से मतलब रखेंगे। इसका सही ऑप्शन है ए, हमें कोई भेदभाव नहीं रखना है। आगे बढ़े, 15वां क्वेश्चन है, गृह कार्य छात्रों को स्वाध्याय प्रेमी बनाता है, इसके साथ साथ छात्रों में तर्क शक्ति एवं विचार शक्ति उत्पन्न करता है, घूमने की प्रवृत्ति को कम करने में सहायक है, मनोरंजन की भावना को कम कर देता है या थकान उत्पन्न करता है। तो इसका सही ऑप्शन है पहला, तर्क शक्ति एवं विचार शक्ति उत्पन्न करता है। आगे बढ़े, 16वां क्वेश्चन आप देख रहे हैं, विद्यालय में कार्य करते समय बिना जानकारी में आपसे कोई अपराध हो गया है, ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे। आप कोई काम कर रहे हैं और बिना जानकारी से आपसे कोई अपराध हो गया तो आप चुपचाप रहेंगे, इसकी जानकारी अपने अधिकारी को देंगे या इससे छिपाने की कोशिश करेंगे या पश्चाताप की अग्नि में जलते रहेंगे। तो इसका सही ऑप्शन है बे, इसकी जानकारी अपने अधिकारी को देंगे। अगला क्वेश्चन है 17वां, निर्देशनकर्ता का लक्ष्य होता है कि वह व्यक्ति में विकास करे, सूझबूझ का आगे है, उचित परामर्श देने का प्रदान करने का, दुर्बलताओं के समाधान का और सृजनशीलता का। इसका ऑप्शन से सही है बिल्कुल, दुर्बलताओं के समाधान का। 18वां क्वेश्चन है, व्यक्तिगत या सामूहिक रूप से प्रशंसा को तकनीकी भाषा में कहा जाता है, अनुशासन पुरस्कार छात्रों में मतभेदता कुशल प्रबंधन करने में सदार। तो इसका ऑप्शन बे, पुरस्कार वाला बिल्कुल सही। आगे क्वेश्चन क्रमांक 19 आप देख रहे हैं, शिक्षण में कुशलता के लिए आवश्यक नहीं है छात्रों के समुदाय का होना, शिक्षक का उच्च कुल से संबंधित होना, शिक्षक की बच्चों में सहज रुचि होना, शिक्षक में छात्र समस्या का समाधान। तो इसका ऑप्शन बे बिल्कुल सही है। आगे बढ़े, 20वें क्वेश्चन की तरफ, कक्षा शिक्षण की व्यवस्था निर्भर होती है प्रधानाचार्य की शैक्षिक योग्यता पर, शिक्षक की व्यावसायिक निपुणता पर, अन्य शिक्षकों के सहयोग पर या विद्यालय की परिस्थिति पर। इसका ऑप्शन जो बे है वो बिल्कुल सही है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हमने कुल 20% टीचिंग एप्टीट्यूड के कंप्लीट किए हैं। टीचिंग एप्टीट्यूड के काफ़ी कुछ क्वेश्चनों के मैं और वीडियो अपलोड करने वाला हूं, तो वीडियो को लाइक कर दें और शेयर करना न भूलें और चैनल को आप सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि आने वाले जैसे ही वीडियो है
आपको पता लगे, ताकि आप नोटिफिकेशन बेल जो है उसको भी आप ऑन करना नहीं भूलें। दोस्तों मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि BSTC में आपके अच्छे अंक आए और आपका सिलेक्शन जो है एक बार में ही हो जाए। धन्यवाद फ्रेंड्स।